अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अली अफजल और आप देख रहे हैं ट्रेंड पीके। फ्रेंड्स, आज इस वक्त मैं मौजूद हूं ट्रस्ट प्लाजा सरगोधा की एक शॉप ए एस प्राइड पर, और यहां पे हम आपके लिए लेकर आए हैं तोशिबा के जो हैं वो यूज्ड लैपटॉप्स। तो अगर फ्रेंड्स आप तोशिबा के यूज्ड लैपटॉप्स तलाश कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको यूज्ड लैपटॉप्स की प्राइसेस और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताएंगे। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आकिब, और इनसे हम पूछेंगे बारी बारी इन सब लैपटॉप्स की प्राइसेस के बारे में और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमें बताइएगा कि आपके पास कितनी किस्म के जो तोशिबा के यूज लैपटॉप्स मौजूद हैं और इनकी प्राइसेस के बारे में। वेल, वी डील इन तोशिबा। हमारे पास जो हैं सारे जो तोशिबा के लैपटॉप्स हैं उसके अंदर स्टार्टिंग हमारी कोटिड से स्टार्ट हो रहा है हमारा, जिसकी प्राइस जो है 13,000 जो है इनिशियल प्राइसेस हैं इनकी, और जो एंडिंग है हमारी वो है ऑलमोस्ट 55,000 पर, जो सिक्स जनरेशन पे एंड कर रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ये लैपटॉप तोशिबा का, और इसके हम थोड़ी सी आप हमें स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताएं। सबसे पहले तो हमें ये बताएं ये कौन सी जनरेशन है और इसके वाले से थोड़ा। ये वाले जो है तोशिबा का लैपटॉप है ये जो 15.6 इंचज़ में है, और ये कोटेड यू मॉडल है। इसके अंदर 2 GB रैम है और 180 GB हार्ड है इसके अंदर। 15.6 इंच इसकी LED है और इसकी जो प्राइस है वो 13,000 है। अच्छा, इसके अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड वगैरह यूज़ होते हैं गेमिंग के लिए वो भी यूज़ हुआ है? नहीं, इसके अंदर जो है वो ग्राफिक कार्ड अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर जो इंटेल का ग्राफिक कार्ड होता है वो अवेलेबल है, लेकिन जो डेडिकेटेड गेमिंग का ग्राफिक कार्ड होता है वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर रैम रोम की बात की जाए तो इसमें HDD ही है या SSD भी सपोर्टेड? ये बेसिकली तो पुराना मॉडल है इसलिए इसके अंदर जो है HDD हार्ड अवेलेबल है, लेकिन अगर SSD लगवानी हो तो वो लग सकती है, क्योंकि उनका जैक सेम होता है तो वो इतना इशू नहीं होता, वो लग सकती है। और मिनिमम मतलब कितनी इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी को हम? जितना बंदे को यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये वाला जो मॉडल है वो बेसिकली प्रोफेशनल यूज़ के लिए नहीं है। ये मूवी शूवीज़ वगैरह देखने के लिए ये वाला मॉडल अवेलेबल है, ताकि जो लोग हैं जिन्होंने मूवीज़ देखनी है इसके ऊपर देख, वाइडर स्क्रीन है ना, तो उसके लिए, उसकी वजह से ना इसका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, तो लोग इसलिए इसके ऊपर ये मूवीज़ प्रोफेशनल यूज़ के लिए ये नहीं है। मतलब कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इसको जो है वो लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑफिशियल यूज़ के लिए ये नहीं हो सकता? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास एक और तोशिबा का लैपटॉप मौजूद है, इसके हवाले से थोड़ा बताइएगा। ये जो है ये उससे अगली जनरेशन है। कोटेड यू जो थी वो सबसे पहले वाली थी, उसके बाद आती है फर्स्ट जनरेशन जो है, ये तोशिबा में फर्स्ट जनरेशन लैपटॉप है। ये Core i3 है, 4 GB रैम और 320 GB हार्ड है, और इसका जो है बैटरी बैकअप जो है वो 1.5 आवर होता है। बाकी इसके अंदर ये है कि इसकी भी स्क्रीन साइज है वो 15.6 इंचज़ है, और ये उससे जो पहले वाला है उससे एक स्टेप फॉरवर्ड है। अच्छा, बैटरी की जहाँ तक बात की जाए तो बैटरी की आप इसकी वारंटी भी देते हैं, मतलब चेक वारंटी? जी जी, ये सारे लैपटॉप जो हैं इनकी बैटरी के जो बैकअप टाइम होता है वो इसका जो है वो 1.5 आवर है, जो कोटेड है, ये जो Core i3 है, जो कोटेड है उसका 1 आवर होता है। अगर इससे कम बैटरी टाइमिंग देता है ये तो हम इसको रिप्लेस करके आपको नई लगा के दे देंगे। और ये जो फर्स्ट वाला था इसमें भी, मतलब सारे जो लैपटॉप्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं इन सब में आप चेक वारंटी बैटरी के साथ? हर लैपटॉप की 2 दिन की चेक वारंटी होती है, ऑल दो हमने सारे पहले ही चेक करके रखे होते हैं क्योंकि हमने खुद आगे सेल करना होता है, लेकिन हम फिर भी कस्टमर की मज़ीद तसल्ली के लिए उसको 2 दिन चेक वारंटी देते हैं, जिसके अंदर उसका बैटरी टाइमिंग और बाकी के सिस्टम हैंग ना हो ये सारी इसको वारंटी देते हैं, ताकि वो मज़ीद तसल्ली कर ले सारी चीज़ में। इसकी प्राइस आपने क्या बताई है? इसकी जो प्राइस है वो 22,000 है। अच्छा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक और जो है तोशिबा का लैपटॉप है, ये कौन सी जनरेशन है? ये अब उससे भी एक स्टेप अहेड है, ये जो है ये सेकंड जनरेशन है। ये भी Core i3 है, लेकिन ये ग्राफिक कार्ड वाला मॉडल है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड इसके अंदर अवेलेबल है 1 GB का, और ये है 4 GB और 250 GB के साथ। ये सेकेंड जनरेशन i3, स्क्रीन साइज सेम वही है 15.6 इंचज़, बैटरी टाइमिंग की गारंटी जो है इसकी भी 1.5 आवर होगी। मतलब ये जो हमारे पास सारे ये वाले लैपटॉप्स हैं इनकी जो बैटरी टाइमिंग जो है वो सेम है, और स्क्रीन साइजेस भी जो हैं वो इक्वली सारा कुछ सेम है, क्योंकि ये थोड़े ओल्ड जनरेशन है, लेकिन ये वाला जो आपको दिखाया है सेकंड जनरेशन जो है ये ग्राफिक कार्ड वाला मॉडल है फॉर गेमिंग पर्पस। अच्छा, ये ग्राफिक कार्ड वाला जो मॉडल है इसकी प्राइस क्या है? ये वाला जो है ये 29,000 में है। ठीक हो गया। उसके अलावा एक और हमारे पास तोशिबा का लैपटॉप है, इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में? उससे भी एक स्टेप अहेड है, ये थर्ड जनरेशन है। पहले कोटेड यू, फिर फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज़ नाउ थर्ड जनरेशन। इसके अंदर जो है 4 GB रैम है और 320 GB हार्ड है, और ये थर्ड जनरेशन है Core i3। 15.6 इंच स्क्रीन साइज है, नम पैड इसके साथ अवेलेबल है, बैटरी टाइमिंग की भी 1.5 आवर गारंटी होगी इसकी, और साथ में
जो है इसकी 2 दिन की चेक वारंटी भी अवेलेबल है। ये सारा जेट ब्लैक कलर में अवेलेबल है और बाकी सारा स्क्रीन साइज बाकी सेम है इसका। इसकी प्राइस जो है वो 30,000 है। अच्छा तो अच्छा एक और क्वेश्चन है कि मतलब ये सारे जो लैपटॉप्स हैं इनमें अक्सर देखा जाता है कि कीबोर्ड के अंदर बैक लाइट भी होती है, तो इनमें वो अवेलेबल है? इन सीरीज़ में नहीं अवेलेबल। जो नेक्स्ट वाली है जो पोर्टे जो टेक्रा सीरीज़ आगे अवेलेबल है उनके अंदर सारा कुछ अवेलेबल है। बैकलिट लाइट भी है और बैटरी टाइमिंग भी इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। जो तोशिबा की जो सीरीज़ हैं वो एक तो सैटेलाइट सीरीज़ है, उसके अलावा टेक्रा सीरीज़ है और ये पोर्टेज सीरीज़ है। ये एक्सट्रीमली स्लिम होती हैं और ये ना ख़ास वक्त पे निकालते हैं तोशिबा जो है ना, ये बहुत ही कम निकालते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब लाइट वेट और प्रोफेशनल यूज़ के लिए। मतलब अगर कोई इनका स्पेशल इवेंट हो तो इस टाइप का उस वक्त ये इस तरह ये इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वैसे ये नहीं करवाते। ठीक है तो अभी हम आते हैं टेक्रा सीरीज़ की तरफ और टेक्रा का सबसे पहला जो हमारे पास लैपटॉप मौजूद है इसके हवाले से थोड़ा बताएँ। ये जो है ये कोर i5 है, 6th जनरेशन, 4 GB रैम है और ये 128 GB SSD के साथ है। इसका जो मॉडल का नेम है ये है A40C। इसके अंदर जो बैटरी टाइम है इसकी वो 4 to 5 आवर होती है। जो इसका बैकअप वारंटी होता है वो 2 to 3 आवर्स होता है, लेकिन मैं जो टाइमिंग देते हैं वो होती है 4 to 5 आवर होती है। अगर ये 2 to 3 आवर से कम देती है तो फिर ये हम रिप्लेस करवा के आपको नई लगा के देंगे। इसके अलावा ये इसके अंदर बैकलिट भी अवेलेबल है, ये सारा कुछ बैकलिट कीबोर्ड है इसके अंदर और स्क्रीन साइज़ जो है इसका 14 इंचज है। और ये कौन सी जनरेशन है? ये 6th जनरेशन है। अच्छा। और इसकी जो स्क्रीन साइज़ है वो 14 इंचज है। और इसकी प्राइस कितनी? प्राइस 55,000 है इसकी। 6th जनरेशन है, उस हिसाब से ये काफ़ी रीज़नेबल और अच्छी प्राइस है। और इसके अंदर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है और बैकलिट कीबोर्ड भी है इसके अंदर। ठीक है तो नेक्स्ट जो हमारे पास तोशिबा का लैपटॉप है ये भी टेक्रा का ही आई थिंक सो। ये पोर्टेज सीरीज़ है सारी, ये वाला जो है ये तो शिबा के जो नेक्स्ट 3 आपको आगे डिस्प्ले करेंगे हम, वो सारे जो है ना ये पोर्टेज सीरीज़ है। ये वाला जो होता है ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ना स्लिम सीरीज़ है। ये जो तोशिबा है ना उसके अंदर कोर i5 है, ये भी 6th जनरेशन है, 4 GB रैम और 256 GB SSD के साथ है। इसकी भी प्राइस सेम वही जो है 55,000 है और बैटरी बैकअप इसका जो है वो 5 to 6 आवर है। गारंटी जो होगी वो 2 to 3 आवर्स की होगी, उससे कम रिप्लेसेबल होगी। इनके साथ भी चेक वारंटी बैटरी की? जी जी, वो सारी जो चेक वारंटी आप होगी 2 दिन की चेक वारंटी देते हैं मज़ीद तसल्ली के लिए। बाकी इशू वगैरह किसी में भी कोई नहीं होता, मज़ीद कस्टमर की तसल्ली के लिए ही देते हैं, उसके अलावा कोई इशू नहीं है। चलें ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्टेज सीरीज़ का जो है इसका ये आ जाते हैं जो पोर्टेज सीरीज़ है Z30B है। ये 5th जनरेशन है, 4 GB रैम है और 128 GB SSD के साथ है। इसके अंदर भी सेम वही है जो टेक्रा सीरीज़, और इसमें फ़र्क है वही है कि उसके अंदर DVD की ऑप्शन अवेलेबल है, इसके अंदर नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिम है। इसके अंदर भी बैकलिट अवेलेबल है, 4 GB रैम है, 128 GB SSD है, बैटरी टाइमिंग सेम वही है 5 to 6 आवर और स्क्रीन साइज है ये इसका थोड़ा कम है, ये 12 इंच स्क्रीन साइज़ है इसका। ठीक है और इसकी प्राइस क्या बताई आपने? ये जो 5th जनरेशन है इसकी जो प्राइस है ये आपको 48,000 में मिल जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास एक और लैपटॉप मौजूद है ये भी पोर्टेज सीरीज़ का ही है। पोर्टेज सीरीज़ का है, ये सेम वही स्पेक्स हैं, 4 GB 128 GB 5th जनरेशन है। ये 4th जनरेशन है, ये वाला 5th है और ये वाला 6th है। डिफरेंट वेरिएशन है वो, मतलब जैसे अगला मॉडल आ गया उससे अगला मॉडल आ गया, स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है लेकिन मॉडल अगला है, लेटेस्ट की तरफ ये जा रहे थे। तो इसकी भी स्पेक्स है, 4 GB रैम है, 128 GB SSD है और बाकी बैकलिट कीबोर्ड है और स्लिम मशीन है और इसके अंदर जो बैटरी बैकअप है वो भी सेम 5 to 6 आवर होता है और 2 to 3 आवर्स की वारंटी होती है और बाकी सारा कुछ वही है। अच्छा अब हमने जो बात की, हमारे पास जो ये सारे लैपटॉप्स मौजूद थे ये हमारे पास थे सैटेलाइट सीरीज़ के, उसके अलावा हमारे पास टेक्रा सीरीज़ के और पोर्टेज सीरीज़ के भी लैपटॉप मौजूद हैं। लेकिन हमारे ऑडियंस में से काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि अगर इसमें हमें एक बिग स्क्रीन साइज़ चाहिए, अगर लार्ज स्क्रीन साइज़ में कोई लैपटॉप हमें चाहिए, तो वो भी यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। इनके पास वो ज़रा दिखाइएगा। ये वाला एक्सट्रीमली बिग साइज़ है, जो लैपटॉप में मैक्सिमम साइज़ आता है डिस्प्ले के लिए वो ये है, 17 इंच स्क्रीन साइज़ है ये, 512 MB जो है इसके अंदर रैम है और 320 GB हार्ड है। बाकी इसके अंदर स्क्रीन साइज़ और स्पीकर इसके काफ़ी बड़े हैं, ताकि ना लोग जो होते हैं जो बड़े लैपटॉप होते हैं बेसिकली वो होते हैं कि आपने मूवीज़ वगैरह देखनी है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और प्राइस इसकी जो है वो 15,000 है।
अच्छा यहाँ पे जितने भी लैपटॉप्स मौजूद हैं, अगर वैसे तो लैपटॉप्स में इतना कैमरा को प्रेफर नहीं किया जाता, लेकिन जिस तरह से आजकल ऑनलाइन क्लासेस का भी ट्रेंड चल रहा है, उसके अलावा वर्चुअल मीटिंग्स भी ऑनलाइन कंडक्ट की जा रही हैं, तो क्या प्रेफर करना चाहिए कि किस जो इनका वेब कैम है वो किस तरह का हो? ये ऑलमोस्ट जितने भी ये मॉडल्स हैं सारों के अंदर वेब कैम अवेलेबल है, ये सारे HD वेब कैम के अंदर होते हैं, और इन सारों का अंदर जो होता है ना एक जो नॉर्मल कैम होता है, इनका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है इन कैमराज का, तो ये सारों के अंदर अवेलेबल है, तो वो इशू नहीं होगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर इन्होंने कभी कैमरे की ज़रूरत पड़ भी जाती है। नहीं तो आजकल तो मोबाइल्स वगैरह हैं लेकिन फिर भी इनके अंदर कैमरा इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है ऑडियंस, आपने देखा कि किस ये हमारे पास तोशिबा के यूज्ड लैपटॉप्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और डिफरेंट प्राइस रेंजेस के साथ और डिफरेंट जो दो तीन सीरीज़ जो हैं तोशिबा की उनमें ये लैपटॉप मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास, हमने आपको दिखाया कि बिग स्क्रीन में भी एक लैपटॉप इनके पास अवेलेबल है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी और उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। अगर आप इनको इनसे ये बाय करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर इनका नंबर आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके अलावा इनका एड्रेस भी आ रहा होगा। अगर आप सरगोधा से हैं तो आप यहाँ पर ट्रस्ट प्लाजा पे इनकी शॉप को विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आके इनसे बाय कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।